राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर भाजपा में मंथन तेज हो गया है। माना जा रहा है कि तीन में से एक नाम तो पार्टी ने भूपेंद्र यादव के रूप में तय कर लिया है, दो नामों पर अभी मंथन चल रहा है। इस बीच एक नया नाम उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का चर्चा में आया है। प्रदेश भाजपा से हरी झंडी मिलती है तो राजपाल सिंह शेखावत भी राज्यसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं। भाजपा कोर कमेटी की बैठक सोमवार को प्रदेश कार्यालय की जगह विधानसभा में मुख्यमंत्री कक्ष में की गई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर को छोड़कर सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक करीब तीन घंटे चली। इस दौरान राज्यसभा चुनाव पर चर्चा की गई। बताया जाता है कि दो में से एक सीट अनुसूचित जनजाति को भी देने का मन प्रदेश भाजपा ने बनाया है। एक सीट को लेकर अभी निर्णय होना बाकी है। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट देगी। आज पहले दौर की बैठक हो चुकी है। कोर कमेटी की बैठक के बाद भी अशोक परनामी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और अन्य प्रमुख नेताओं की देर रात तक भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक चलती रही। राज्यसभा की तीन सीटों पर जीत के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 51 विधायकों के वोट चाहिए। भाजपा के पास तीन सीटों के लिए जरूरी जो मतदान है 153 वोट है। इसके अलावा 6 वोट और हैं और 3-4 निर्दलीय पहले से ही भाजपा के समर्थन करते आए हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है और संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी।